हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। ये वीडियो है कोल्ड एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के बारे में। तो इसके लिए हमें पेशेंट का सीरम चाहिए, जो कि हमने एक अलग ट्यूब में सेपरेट कर रखा है। दूसरा जो रीजन के रूप में हमें चाहिए, ओ ग्रुप की सेल्स चाहिए, जिसका हमने 5% सेल सस्पेंशन बना लिया है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं 5% सेल सस्पेंशन बनाने का। टेस्ट के लिए हमारे पास 3 ट्यूब होनी चाहिए, ग्लास की ट्यूब। और इसमें हम सबसे पहले जो सीरम है पेशेंट का, उसकी एक एक ड्रॉप तीनों ग्लास की ट्यूब में डाल लेते हैं। एक ड्रॉप पेशेंट की सीरम। दूसरा जो रिएजेंट चाहिए वो है 5% ओ पॉजिटिव ब्लड की, उसकी भी हमें एक एक ड्रॉप हमें इन तीनों ट्यूब में डाल लेनी है। तो कोल्ड एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी होती है जो कि कम टेम्परेचर पे एग्लूटिनेशन शो करती है। तो तीनों ट्यूब को हमें कोई कन्फ्यूजन न रहे, इस कारण हम इसको मार्किंग कर लेंगे 1, 2 और 3। जो पहली ट्यूब है उसको हम रखेंगे रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए। दूसरी ट्यूब को हम रखेंगे रूम टेम्परेचर, जो कि 25 से 30 डिग्री तक हो सकता है, उसको हम रखेंगे दूसरी ट्यूब को रूम टेम्परेचर पे। तीसरी ट्यूब को हम रखेंगे 37 डिग्री टेम्परेचर पे इनक्यूबेटर पे। इसके बाद हम जब तीनों को 1 घंटे का इंक्यूबेशन देंगे, 1 घंटे के बाद देखेंगे कि एग्लूटिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर एग्लूटिनेशन पहली ट्यूब में और दूसरी ट्यूब में हुआ है तो इसका मतलब है कि उसमें कोल्ड एंटीबॉडी मौजूद है, जबकि तीसरी ट्यूब में जो एग्लूटिनेशन नहीं होना चाहिए। पहली ट्यूब में जो एग्लूटिनेशन होगा वो अच्छा खासा होगा, और दूसरी ट्यूब में जो कि हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है उसको जो एग्लूटिनेशन होगा वो वीक एग्लूटिनेशन होगा, और तीसरी ट्यूब में एग्लूटिनेशन नहीं होगा। अगर 2 ट्यूब में एग्लूटिनेशन दिखाई दे और तीसरी ट्यूब में एग्लूटिनेशन दिखाई नहीं दे तो इसका मतलब हुआ कि वो उसमें कोल्ड एंटीबॉडी मौजूद है। अगर तीनों ट्यूब में एग्लूटिनेशन हुआ है तो इसका कारण कोल्ड एंटीबॉडी नहीं है, कोई दूसरी कारण हो सकता है जिसका हमें फर्दर टेस्ट करके डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले तीनों ट्यूब को इस टेम्परेचर पर रख के फिर इसका रिजल्ट का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।